हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी? यार इसको थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब तो किया करो, कितने दिन हो गए इतने ही पड़े रहते हो। ठीक है, तो जैसे एक स्टूडेंट्स को एक ही बार करना होता है, ठीक है, एटलीस्ट एक दिन के अंदर 2000 व्यूज आते हैं कम से कम। 2000 नहीं, अभी तो जैसे 3500 3600 है, एटलीस्ट 3000 व्यूज मान लो, कम से कम 3000 व्यूज आते हैं और एक दिन के अंदर मिनिमम 100 सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे, तो इट्स वेरी बैड। ओके, तो आज अपन बात कर लेते हैं रीप के बारे में। तो यार आज जस्ट 20 तारीख हो चुके हैं और कल लास्ट डेट है इसका 21 तारीख। ठीक है, अगर आप कल तक अप्लाई नहीं करते हैं तो एटलीस्ट आपका जस्ट रीप नहीं हो पाएगा कुछ भी। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे फॉर्म वगैरह गलत कर दिया है। अब वो जस्ट ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि 250 रुपये लगा के फिर से नया फॉर्म फिल कर दें, उनका फॉर्म फिर से कैंसिल हो जाएगा। तो उनको यहाँ के वेबसाइट पर कैंसिलेशन का बहुत सारी क्वारीज मेल गया, तो इस ये पहली बार किया जा रहा है इस बार रीप की तरफ से, क्योंकि बहुत ज्यादा फॉर्म के अंदर प्रॉब्लम्स आई है बच्चों को। तो यहाँ पर डायरेक्टली ऑप्शन दिया गया है कैंसिल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसके ऊपर आप डायरेक्टली जाके कैंसिल कर सकते हैं अपने फॉर्म को। ठीक है, तो देख सकते हैं आप वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कैंसिल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन इन जेई रीप 2021। ठीक है, और इसका कुछ बुलेटिन भी आया है। ओके, जस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस रीप 2021 एडमिशन फर्स्ट बी बीटेक कोर्सेस। ओके बच्चों पार्टी, तो देख लीजिए यहाँ पे 15% सीटें जो है आउट ऑफ राजस्थान स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व है, और फर्स्ट प्रायोरिटी उन्हीं स्टूडेंट्स को दी जा रही है जो जेई के बेसिस पे एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है, और सेकेंड प्रायोरिटी जो है वो 12th बेसिस पे है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। और फिर जो है यहाँ पे यह भी दिया गया है कि जेई मेन्स के अंदर जिन बच्चों के 20% स्कोर इन जेई मेन्स 2021, ठीक है, जिनके 20% से कम है ना, उनका तो कुछ नहीं बटने वाला। ठीक है, तो जस्ट ये कुछ इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी की गया है। ओके, तो आप चेक कर सकते हैं। ओके, एंड दिस इज GFTI पंजाब स्टेट एरोनोटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज PSIC पटियाला, दिस इज गवर्नमेंट कॉलेज, एडमिशन स्टार्टेड इन एरोस्पेस एंड एरोनोटिकल इंडस्ट्री, वेरी स्कोपेबल कंप्यूटर साइंस से तो अच्छा ही है एटलीस्ट। ठीक है, इतनी भीड़ नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट 19 से 20 इंस्टीट्यूट है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, कंपटीशन बहुत कम है, तो ले सकते हो। ऐसे कोर्सेज चूज करना चाहिए क्योंकि जिसका फ्यूचर में जिसका ज़्यादा स्कोप हो। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, आप यहाँ पर जैसे सर्च करेंगे कैंसिलेशन का ऑप्शन आएगा। ठीक है, मैंने किसी का कैंसिल किया तो नहीं है अभी। ठीक है, और हो सकता है किसी का करना भी ना पड़े, तो आपको या तो यहाँ पे जो है बैंक अकाउंट डिटेल मांग लेगा 250 रुपये वापस रिफंड करने के लिए, या फिर आपने जिस भी पेमेंट मेथड से किया है उसके अंदर वापस आपका पैसा जो है रिफंड हो जाएगा। इसके अंदर बहुत टाइम लग रहा है। ठीक है, हो सकता है 3 महीने भी लग जाए, 4-5 महीने भी लग सकते हैं। ठीक है, और 99% यही है कि आपका पेमेंट गेटवे से ही आएगा, जिससे जैसे आपने फोन पे, गूगल पे, कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग जिससे भी किया है उसी उसी मेथड में वापस आएगा, जहाँ से पेमेंट करता है उसी अकाउंट में आएगा वापस। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट गेट में पैसे लेता है। ठीक है, तो वो डायरेक्टली वहाँ से रिफंड हो जाता है। ओके बच्चा पार्टी, तो आप जरा ध्यान दें। ठीक है, कल लास्ट डेट है। ओके, एंड जस्ट आप चॉइस फिलिंग वगैरह में खुद अपने आप को ज़्यादा महान तिकड़मबाज बहुत होशियार ना समझें। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी डिसाइड योर लाइफ। ठीक है, तो काउंसलिंग वगैरह के लिए, चॉइस फिलिंग वगैरह के लिए आप हायर कर सकते हैं किसी भी पेड काउंसलिंग सर्विसेज को। ठीक है, क्योंकि अगर आप 10 से 8 लाख रुपए लगेंगे आपके कॉलेज के, ठीक है, तो आपके लिए 20-25 हज़ार रुपये देना कोई बड़ी बात नहीं है ज़्यादा। ठीक है, एंड जिन बच्चों को SFSC या TFW सीट मिलेगी, तो उन लोगों को तो जिनकी ठीक ठाक परसेंट आयल है या बहुत कम परसेंट आयल है, उनको तो जस्ट काउंसलिंग सर्विस ले लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जस्ट हर जो बच्चा है वो यूट्यूब देख देख के बिल्कुल भी नहीं कर सकता, बिल्कुल भी डिटेल नहीं ले सकता कॉलेज के बारे में, कंपटीशन एंड और भी सारी फीस डिटेल्स, फॉर्म फिलिंग, कैसे एडमिशन कहाँ होगा, कहाँ जाना पड़ेगा, तो सारी डिटेल्स के लिए आप ले सकते हैं काउंसलिंग सर्विसेज। नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है काउंसलिंग के लिए, आप उस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, और जैसे बहुत सारे स्कैम भी चल रहे हैं तो आप इनसे बहुत सावधान रहें। ठीक है, ओके, एंड और भी बहुत सारी काउंसलिंग है जस्ट स्टार्ट हुई नहीं है अभी। ठीक है, जोसा और CSA भी बहुत लेट तक चलेगी। ठीक है, अगर आपकी JEE में कम रैंक है तो उसको आप जस्ट वेट ना करें, क्योंकि ऑलमोस्ट काउंसलिंग अभी स्टॉप हो रही है। ठीक है, IK गुजराल, MRS, PTU एंड SCPC का आपको पता ही है, गुजरात का बहुत पहले खत्म हो चुका है। ठीक है, अगस्त के अंदर ही बंद हो गया है। ठीक है, ऑलमोस्ट सितंबर जाने वाला है, आज 20 तारीख हो गए हैं। ठीक है, राजस्थान का ऑलमोस्ट कल खत्म हो ही रहा है, हरियाणा है जस्ट
दिल्ली के अंदर स्टार्ट होने वाला है, जैसे जेक दिल्ली है या जेक चंडीगढ़ स्टार्ट होने वाला है। एंड कुछ जैसे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस है, जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर भी एक कॉलेज है जैसे बाबा बादशाह, गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छा कॉलेजेज है, ठीक है। और अगर आपने IPU वगैरह का फॉर्म फिल किया है तो बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस है वहाँ पे, जैसे महाराजा अग्रसेन है, और जैसे पंजाब है, दिल्ली है। राजस्थान के अंदर उतनी पॉपुलरिटी नहीं है इंस्टीट्यूट की, ठीक है, क्योंकि कुछ ही कॉलेजेस है, जैसे जयपुर के कुछ है, SKIT, JERC, वहाँ पे सीटें मिल ही नहीं रही है बच्चों को, ठीक है, ऑलमोस्ट बुक हो चुकी है। रीप के बेसिस पे जिनकी अच्छी रैंक है उन्हीं को मिल पाएगी, ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो बच्चे 12th के बेसिस पे टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, उनसे पहले JEE वालों को मिल जाएगी वहाँ पे सीटें, तो 12th वालों को कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो हो सकता है 1-2% जिनका बहुत अच्छे परसेंटाइल है, 99 है, 98 है, उनको मिल जाए, ठीक है, लेकिन CS की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो JEE के बेसिस को दी जा रही है, जिसके माइनस में भी है ना JEE के, तो उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। 20% का दिया गया है पहले क्राइटेरिया, ठीक है, जिनके 20 से ऊपर है ना पहले, तो उसी को दी जाएगी, उसके बाद में जिसके 99 है उसका नंबर आएगा, ठीक है। ये सिस्टम है रीप का। सो यू कैन गेट डिटेल्स, यार सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, एंड एटलीस्ट 1400 सब्सक्राइबर्स पे अपनी ऑल इंडिया की जितनी भी सारी काउंसलिंग होती है उस पर लाइव कंसल्ट करेंगे, अगर तुम लोग 1400 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर देते हो तो, ठीक है। हो सकता है अगर तुम जस्ट रिजल्ट के बाद, काउंसलिंग स्टॉप होने के बाद में करो तो फिर कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो अगर तुम्हें इसके बारे में जानना है तो यू कैन सब्सक्राइब दिस, ठीक है, इसका कोई पैसा नहीं लगने वाला, ठीक है, और ना ही मैं मुझे कोई इसका लाइक शेयर सब्सक्राइब का पैसा मिलता है, ठीक है, और ना ही मैं इसको मोनेटाइज करता हूँ, एंड इट्स फ्री फॉर ऑल, ठीक है। हमारे सिर्फ पैसा उन्हीं का आता है जो बच्चे काउंसलिंग सर्विसेज लेते हैं और कुछ पैसे देते हैं, ठीक है, उसी उन्हीं से पैसे लेते हैं, ठीक है, और यूट्यूब वगैरह से कोई मनी जनरेट नहीं होता, ना ही आपको एड दिख रहा होगा इस चैनल पे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय। जिन बच्चों के JEE में अच्छी परसेंटाइल है वो जैसे JEE एडवांस बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें, क्योंकि IIT जैसा इंस्टीट्यूट, जैसा माहौल कहीं भी चले जाओ, आप कितने ही करोड़ों दे दो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को, क्या IIT को, BIT वेलोर को, लेकिन उसके जैसा माहौल, उसके जैसा कल्चर, उसके जैसा एजुकेशन IIT जैसा कहीं नहीं मिलने वाला। ओके, तो यू कैन गेट ए JEE एडवांस, जरूर प्रिपेयर करें, और JEE एडवांस में अच्छे मार्क्स भी लेकर आए और IIT में एडमिशन भी ले। ओके, आई होप यू वेल गुड एंड योर फैमिली वेल गुड। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।